मैं वी नरसिम्हन हूँ, ऑल इंडिया नेशनल लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हैदराबाद में होटल साई प्रकाश में एक स्ट्रैटेजी मीटिंग का आयोजन हुआ है, जो ये तय करने के लिए आयोजित होगा कि हमें डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, इसको कैसा काउंटर करना है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ठीक काम नहीं कर रही थी, पीपल का इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं था, वो बंद हो रही थी, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को अपोज करते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि उसको नेशनलाइज करना है। 1956 में LIC का फॉर्मेशन हुआ और LIC उसके बाद में पीपल के हित में, लोगों के हित में आज तक काम कर रहा है। जो भी LIC फॉर्मेशन के लिए जब गवर्नमेंट ने सोचा था, वो सब अचीव कर लिया। आज गवर्नमेंट बोलता है कि इसको प्राइवेटाइज करना है, डिसइन्वेस्टमेंट करना है, उसका स्टेक जो है, ए पार्ट ऑफ इट्स स्टेक, उसको हम प्राइवेटाइज करते हुए, मतलब डिसइन्वेस्ट करते हुए पीपल को बेचेंगे, मार्केट में लिस्ट करेंगे, IPO इश्यू करेंगे। अगर प्राइवेटाइजेशन ठीक था तो नेशनलाइजेशन क्यों किया गया? और नेशनलाइजेशन ठीक है और लोगों के हित में काम कर रहा है LIC, तो फिर आज प्राइवेटाइजेशन की ओर क्यों उसको भेजा जा रहा है? गवर्नमेंट बोलता है कि अगर कोई कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है तो हम उसको प्राइवेटाइज कर देंगे, हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। वही एयर इंडिया के बारे में बोला था और प्राइवेटाइज किया था। फिर अगर LIC प्राइवेटाइज करने के, LIC अगर स्ट्रांग है, LIC अगर प्रॉफिट मेकिंग है, तो फिर उसको प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है? 100 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसके इसमें डिविडेंड हर साल 2500 करोड़ से ज़्यादा हम पे कर रहे हैं, LIC पे कर रहा है गवर्नमेंट को, और LIC फाइव ईयर प्लान में भी इन्वेस्ट कर रहा है। गवर्नमेंट का इतना काम में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर LIC को प्राइवेटाइज करने से लोगों का नुकसान है, इसीलिए ऑल इंडिया नेशनल लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन इसके खिलाफ है और इसके लिए हम कैंपेन करेंगे, क्योंकि ये लोगों के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है।